वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हो जी? ठीक है, खैरियत से? तो ठीक है। आज आपसे पूछना है, आपका नाम क्या है? इकबाल। वालिद का नाम क्या है? अहमद सदीक। दादा का नाम याद है? कुतुबुद्दीन। अच्छा माशाल्लाह, आपको तो काफी यादें हैं। ये पूछना है कि पीछे किस गांव के थे? सुई। सुई गांव था? हाँ। कितना बड़ा गांव था? त्रिकड़ इतना होगा। अच्छा, यानी कि 100-200 घर होगा। हाँ। किस किस कौम के लोग रहते थे वहाँ? सारी कौमों थी, तरखान भी, लोहार भी, जाट भी। अच्छा, तो जब वही गांव में बैठे थे, कैसे पता चला कि जाना है? तो अच्छा, हाँ? आपको पता था कि किस जगह पे जाकर बैठना है पाकिस्तान में? कोई पता नहीं, कोई है। अच्छा, ये पता नहीं था? अल्लाह जानता है। जी जी अपनी बिरादरी के कितने घर थे वहीं? होंगे 200 के घर। हाँ, चाचाताओं का। हाँ। एक दादे की औलाद 100-200 होगी। रात को आए थे कि दिन को निकले थे वहीं से? दिन छिपे। हाँ? दिन छिपे। दिन छिपे। हाँ। रात को आते हुए आते फिर पैदल ही आए? गाड़ी से। रेल गाड़ी गांव में तो नहीं होगी ना? और नाड़ा और निकड़ा थी। इस गांव की तहसील कौन सी थी? हसी। जिला? हसार। जिला हसार। आप गाड़ी में बैठ गए। हाँ। फिर आते आते कहाँ पहुंचे? पिछला कोई जगह कौन सी शायद, तो ये भी दिमाग को नहीं। चलो, कोई जो भी याद आ जाए वो बता दो। लाहौर में आए थे? हाँ। पूरा में। अच्छा, कितना बड़ा काफिला था आपका? अच्छा था। अच्छा, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? किसकी? आपकी। 7-8 साल। घर पक्के थे या कच्चे थे वहीं? कच्चे। कच्चे घर थे। रकबा कितना था वहीं? कोई पता नहीं। अच्छा, वो ही रकबा उरे मिल गया आपको? हाँ। इब हम किस जगह पे बैठे हैं, इस जगह का नाम क्या है? कन्हैया वाला। कन्हैया वाला। अच्छा अच्छा ये हिंदुओं का रकबा था? हाँ। वो ही आपको मिला है? तो और किसका मिले है? जी जी वो है, मिलेगा जो बेच देगा वो खत्म है। जी जी उसने तो नहीं मिलता। हाँ, उसको नहीं मिलता। ये मौजा इसका कौन सा है? त्रगढ़। हाँ। ये त्रगढ़ के रकबे में है। अच्छा, माशाल्लाह। कोई और बात सुनाओ, जैसे आए आप। सब ठीक ठीक ठाक आए। अच्छा, कोई हिंदुओं की बात होता? हिंदुओं की कोई बात बताओ, उधर वहीं जहाँ रहते थे, उन्होंने मारा काटा नहीं? रात कोई आप निकल आए, हमला नहीं हुआ आप पे? खैर खरियत से आ गए? खैर खरियत, सारे जितने भी थे सारे आ गए माशाल्लाह। और कोई बात हो याद तो बता दो। औरों गांवों के भी थे? हाँ? आपके साथ औरों गांवों के भी थे? और फकीरन थे जो वो लग ला रखे थे। अच्छा, कैंपों में। हाँ। तो खाने को क्या था? खाने को रोटी मिल जाती थी? अल्लाह देवा था वैसे। अच्छा, ये भी इसका बाप की तारीफ हो से। अच्छा इस जी जी अच्छा, यही बातें पूछनी थी पिछली इंडिया की। आपसे मुलाकात होकर बड़ा दिल खुश हो गया बाबा इकबाल। हाँ, अल्लाह आपको से दे। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी, शुक्रिया।